अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी आमना। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे उम्मीद है। आज की मेरी वीडियो होने वाली है बहुत ही यम्मी नूडल्स के बारे में। बहुत ही इजी नूडल्स हैं जो बच्चों के साथ साथ बड़े भी बड़े ही शौक से खाएंगे। ठीक है, तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ ले लिए 2 चिकन किनोर नूडल्स। ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं हो रही जी यहाँ पे, कोई भी चीज़ जो है पेड प्रमोशन वाली नहीं है। सब चीज़ें मैंने खुद बाय की हैं और इन सब चीज़ों का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं। ठीक है, अच्छा 3 नूडल्स ले लिए। आप लोग अकॉर्डिंगली ले सकते हो, जितने आप लोगों को पसंद है, जितने तुम लोगों को खाना पसंद है, जितने लोग हो। फिर मैंने लिया आधा टमाटर, क्योंकि टमाटर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नूडल्स में, मतलब पसंद है लेकिन इतना नहीं पसंद। फिर मैंने प्याज ले लिया थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ मैंने ले लिया सॉसेजेस। ठीक है, आप लोग 2-3 भी यूज़ कर सकते हो, और मैंने खाना अकॉर्डिंगली जितने आप लोग हो उस हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मिर्ची ले ली थी, यहाँ पर थोड़ा सा बटर पड़ा हुआ था तो मैंने बटर भी ले लिया था। और साथ ही अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑलिव्स, मेरे मोस्ट फेवरेट हैं तो मुझे लगा कि डालने चाहिए, मज़ा आएगा इसको खाते हुए। और यहाँ के नान्स की मैंने ले ली है। अच्छा, ये स्वीट चिली सॉस है। ठीक है, आप लोग केचप भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस ले ली है, और पिज़्ज़ा सॉस का बहुत रिच फ्लेवर होता है, इसलिए मैं ले ली ताकि थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस वाला एक फ्लेवर आ सके। ठीक है, अब इस नूडल्स को आप लोग क्या कह सकते हो, क्या नाम दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, बस ये चटपटे से पिज़्ज़ा नूडल्स आप लोग इसको कह सकते हो, चीज़ नहीं होगी लेकिन पिज़्ज़ा नूडल्स होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो टमाटर मैं चॉप कर रही हूँ बारीक बारीक, बड़ी जल्दी जल्दी छेती छेती खा रही हूँ। ठीक है, प्याज भी मैंने चॉप कर ली, और यहाँ पे मिर्ची चॉप हो रही है, तो यहाँ पे आप लोग 2-3 मिर्ची भी ले सकते हो। मुझे ज़रा मिर्ची कम पसंद है तो मैं कम ले रही हूँ, क्योंकि इसमें रेड चिली भी जाएगी, आप चाहो तो ब्लैक चिली भी डाल सकते हो, ब्लैक पेपर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ऑलिव्स भी हम 1 चम्मच ले लेंगे। ठीक है, और चम्मच मेरा इतना बड़ा था कि वो घुस नहीं रहा था बॉटम में, मैंने देखा ही नहीं, पर उसके बाद मैंने छोटा चम्मच लिया। और यहाँ पे मैंने ऑलिव्स थोड़े से निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये तो एक प्रेजेंटेशन होती हैं ताकि आप लोगों को दिखाया जाए सही से, आप लोग जो मर्ज़ी एक एक करके डालते रहो। ठीक है, अब एक नॉन स्टिक पैन में मैंने प्याज लिया है, साथ ही टमाटर डाल दिए। मिर्चें 2 गलती से चली गई थी, उनका बड़ा दिल था पकने का तो इसलिए वो चली गई थी। ठीक है ना, अब यहाँ पे इनको अच्छे से मैं फ्राई फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, ऑयल मैंने सिर्फ 2 चम्मच लिए हैं, टेबलस्पून। ठीक है, टेबलस्पून ऑयल लिया है, 2, आप चाहो तो कम भी ले लो, चाहो तो ज़्यादा भी ले लो। अब हम वेट कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा इसको जो है ये मिक्स हो जाए, आपस में कोई मिल मिला जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने डाल दी है मिर्ची, सब्ज़ मिर्चें। हस्बैंड मेरे सब्ज़ मिर्चें खाते नहीं हैं, मैं कोई इतने शौक से मैं भी नहीं खाती, लेकिन फिर भी मैंने डाल दी थी। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग डालेंगे किनोर के जो पैक के अंदर से, नूडल्स के पैक के अंदर से उसका मसाला निकलता है, हम वो 3 मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम मसाले ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर मसाला खोल के मैंने डाल दिया है, और मेरे हाथ पे शदीद किस्म की चोट लगी है, चोट लगी हुई है। मैंने बताया था ना घर में काम शाम चल रहा है, तो बस काम शाम करते हुए चोट लग जाती है। ठीक है, मसाले को यहाँ से जैसे ही मैंने मसाला डाला, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा मिक्सी करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो अभी ये मिक्स हम लोग कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल सकते हो आप लोग, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। मैंने समझो कि 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम ही पानी डाला, ताकि उसका मिक्सचर जो है ना वो थोड़ा सा मसाले के अंदर ऐसे डिज़ोल्व सा हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 1 कप भर के पानी डाल दिया था। ठीक है, और आप लोग साथ भी डाल सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा मुझे वो थिकनेस उसकी देखनी थी इसलिए मैंने डाल दिया था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे प्याज और टमाटर को अगर खड़ा खड़ा मसाला रखना चाहते हो मेरी तरह तो रख सकते हो, नहीं तो बेशक इसको अच्छी तरह फ्राई भी करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब मिक्स हो जाएगा। यहाँ सॉसेजेस मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, और गलती से फिर से एक ऑलिव ने भी जंप कर दी इसके अंदर, या 2 ने कर दी। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मक्खन डाल रही हूँ। ठीक है, हालाँकि मैं ऑयल डाल चुकी हूँ, लेकिन मक्खन का जायका बहुत अच्छा आता है। ठीक, तो इसलिए मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मक्खन डाल रही हूँ, मुझे पसंद है। अब यहाँ पे आ गई जी हरी मिर्चें, मिर्ची लगाने आग लगाने। ठीक है, अब मिर्चें यहाँ पे हम लोग डालेंगे एज़ पर योर टेस्ट। मैंने 1/2 चम्मच डाली है। ठीक है, क्योंकि इसका जो चिकन मसाला है वो थोड़ा चिकन होता है, उसका इतना कोई तेज़ वो नहीं होता, तो मतलब मसाला उसमें नहीं होता, इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी, और नमक भी बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। वैसे तो इसका जो चिकन का मसाला आता है ना नूडल्स के साथ, इसके अंदर नमक ऑलरेडी मौजूद होता है, तो ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अपने नूडल्स ऐड कर दिए थे। ठीक है, इसको तोड़ा नहीं, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग तोड़ना चाहते हो तोड़ लो, मुझे वो बड़े बड़े जो ऐसे करके खाते हैं ना वो पसंद है। ठीक है, तो आप लोग इसको तोड़ के भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं डालूंगी पिज़्ज़ा सॉस, उसको थोड़ा पिज़्ज़ा वाला टेस्ट देने के लिए मैंने 3 चम्मच डाल दिए हैं, 2 चम्मच भर के और 1 चम्मच थोड़ा सा डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको मिक्सी फिर से करेंगे ताकि वो मिक्स हो जाए,
और इसके बाद अब हम जो है फ्लेम अपना लो कर देंगे, ठीक है। साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 कप दोबारा से पानी। आप लोग चाहो तो इसको बिल्कुल वाटरी वाटरी भी बना सकते हो, लाइक सूपी नूडल्स। अगर चाहो तो इसको सोक नूडल्स भी बना सकते हो, ठीक है। मुझे थोड़े सोक वाले पसंद है तो मैं सोक वाले बना रही हूँ। और अब हम यहाँ पे इसको मिक्सी मिक्सी करने लग गए अगेन, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और बस जी, यहाँ पे आपके नूडल्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। बीच में आपने लो फ्लेम करना है, तेज़ करना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करते रहो कि इसको पकाना जितनी आपने, मतलब इसको ये बिल्कुल सॉफ्ट में करना है या बस थोड़े खड़े खड़े नूडल्स रखने हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो नूडल्स यहाँ तैयार हो गए, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे और बड़े ही मज़े की लुक आई है इसकी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम स्प्रिंकल करेंगे अपना मज़े मज़े का ऑलिव्स। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।